जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल आलक्यू की स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में आप लोगों की बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली गई थी, जिनमें आप लोगों को सफाई कर्मचारी और वेटनरी ऐसे ही बहुत सारी पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। इसके साथ साथ आप लोगों को ड्राइवर की पोस्ट पर भर्ती निकाली गई थी, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को जो है 1522 पोस्ट जो वैकेंसी निकाली गई थी, इनमें वेटनरी का भी पोस्ट था, लेकिन वहाँ पर आप लोगों के बीच में बहुत सारा कन्फ्यूजन उस वक्त बना हुआ था जब आप लोगों ने फार्म को अप्लाई कर रहे थे। तो वहाँ पर कन्फ्यूजन ये था कि जो है वहाँ पर बहुत सारे पोस्ट पर जो आए हैं वहाँ पर आप लोग ऐसे निकाले गए थे जिनमें आप लोगों से एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। ये पोस्ट वो थे जो कि आप लोगों को वेटनरी के लिए अप्लाई किया है, वेटनरी में आप लोगों से जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता, लेकिन आप लोग फार्म को अप्लाई कर रहे हैं जब उस वक्त है तो वहाँ पर आप लोगों से जो है एक्सपीरियंस मांगा जाता था। इसी को देखते हुए जो है वेटनरी की अलग से जो है कुछ वैकेंसियाँ निकाली गई थी है। तो इन्हीं सारी जो है पोस्टों का आप लोगों का अभी तक पीटी एंड पीएचडी तो क्लियर नहीं हुआ है, जिसको लेकर बच्चों में बहुत सारे कंफ्यूजन बने हुए हैं कि अब पीटी पीएचडी का हमारा जो है एडमिट कार्ड कब आएगा है, इसको लेकर आप लोगों ने बहुत सारे कन्फ्यूजन बने हुए हैं। तो आज इसी बीच आप लोगों को आज किसी वीडियो सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। इसके साथ साथ आप लोगों को इससे पहले भी एक बार एडमिट कार्ड जारी होने की जो है अफवाहें उड़ी हुई थी, लेकिन वह जो है एडमिट कार्ड जो है आप लोगों को जारी करने का जो वहाँ पर आप लोगों को सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है कि कितने लोड पड़ने पर जो है क्रैश हो जाएगा, क्या कुछ जो है जानकारियाँ होती हैं, तो जो डेवलपर होते हैं वो लोग उसके संबंध में जानकारियाँ हासिल कर रहे थे। इसके साथ साथ जो है किस प्रकार से जो है उसको जो है अपलोड किया जाए है, सॉफ्टवेयर को तैयार किया जाए है, कि क्योंकि जो है जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होता है बहुत सारे जो है ट्रैफिक जो है उस वेबसाइट पर पड़ जाती है, क्योंकि एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट स्लो हो जाती है, कई बार वेबसाइट जो है क्रैश हो जाती है तो वेबसाइट को फिर से बनाना पड़ता है। तो ये सभी समस्याएं न आए, जिसको देखते हुए डेवलपर जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं, ठीक है। तो जल्द ही आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर फिलहाल इसके बारे में कोई डेट क्लियर नहीं, इससे पहले जो है जो मेरे पास न्यूज़ थी वो यही थी कि जो है आप लोगों का जो है 10 मार्च तक आप लोगों का सारी जानकारियां जो है क्लियर कर दी जाएंगी है कि किस डेट को होने वाला है आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन ऐसा आप कुछ भी नहीं है, न आप लोगों का जो है मार्च में ही आएगा, न अप्रैल में ही आएगा। अब आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है हमारे पास जो विभाग की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है अभी तक जो है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का अगस्त में ही एडमिट कार्ड आएगा, इससे पहले कोई भी चांसेज नहीं है। यदि आप लोगों का इससे पहले भी एडमिट कार्ड आते हैं तो ये आप लोगों की बहुत ही बड़ी खुशनसीबी है, लेकिन जो मेरे पास विभाग की तरफ से अभी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो यही है कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड आने वाला है वो अगस्त मंथ में ही आएगा, इससे पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे रिलेटेड जो है जो मुख्य इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी वो आप लोगों को मिल चुकी है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आप लोगों को मिल चुकी है। तो आप लोग जो है अगस्त तक का वेट कीजिए, आप लोगों का एडमिट कार्ड जल्द ही आ जाएगा। यदि कोई भी आप लोगों ने किसी ऐसे फार्म के लिए अप्लाई किया हुआ है, किसी ऐसी वैकेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है जिनमें अभी तक आप लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में है, मैं उसके बारे में जो है पता करूंगा विभाग से है कि क्या कुछ भी जो है अपडेट रह गया है जिसके कारण अभी बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया हुआ है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, इसके साथ साथ जो है कौन सी वैकेंसी है जिनका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इससे रिलेटेड आप लोगों को सारी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी हैं। यदि इससे रिलेटेड भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे ही नई जानकारी के साथ नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।